Have been protesting since 13 days, alhamdulillah, and we will continue the protest till the bill, till the act is revoked. Or students ke jo students ke saath zyadati hui thi Jamia Millia mein, AMU mein, and jo JNU mein jo goons attack kare the unke upar jo zulm hua, hum uske we are standing with them in solidarity with them. So that they get justice. We are here to fight for our rights, for our to save the constitution. We don't have to prove what we are, because we know we are Indians by birth. Hum log kisi ko kuch yahan par prove karne nahi aaye hain, but hum ye haq ki ladai ladte rahenge, aur inshallah. We are the students of Government Nizamia TB College. हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली 14 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड वी विल कंटिन्यू इट. रोज 3 से 8 बजे तक हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आफ्टर स्टडीज, पढ़ाई होने के बाद, कॉलेज होने के बाद. तो हम लोग ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे अंटिल द बिल इज़ रिवोक. और जो स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं JNU, जामिया एंड AMU, तो उन लोग को इंसाफ देना चाहिए. आप गूंज को अरेस्ट नहीं करके, आप आयशा बोस जो वहाँ की प्रेसिडेंट है JNU को, आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं. वॉट इज दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली. ये बता रहा है कि पुलिस जो हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे साथ ठहरनी चाहिए, वो उल्टा ही हो रहा है. वो तो किसी और के गुलाम बन चुकी है. हमारे टैक्सेस से उनके सैलरीज जाते हैं और आप बोलते हैं कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक हमें कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे. जब आप जामिया में घुस सकते तो आप JNU में भी घुस सकते थे. आप कॉल्स किए जा रहे थे, आपने जाके स्टूडेंट्स को नहीं बचाया. सो वी आर अगेंस्ट दिस बिल. हम चाहते हैं कि इस बिल को रिवोक किया जाए. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाली बिल है, सेक्युलरिज्म को तोड़ने वाली बिल है. एक्ट जो है 5, 10 एंड 14, उसका वायलेशन हो रहा है इसके थ्रू. तो हम चाहते हैं कि बिल को रिवोक किया जाए. अंतिम ये बिल ना रिवोक हो, हम लोग यहीं ठहरे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे. रेगुलरली हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे. वी आर विद द स्टूडेंट्स ऑफ JNU, जामिया और AMU एंड अदर स्टूडेंट्स हु एवर आर प्रोटेस्टिंग. वी आर विद देम एंड विल स्टैंड अंटिल द बिल इज रिवोक एंड जस्टिस इज गिवन टू द स्टूडेंट्स. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम
तालिबान और कुर्बा तालिबान सभी जो है यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। और मुझे पता चला कि यहाँ पे पिछले 12 दिन से मुजाहरा चल रहा है। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि नौजवान तालिब इल्मों में ये जज्बा जाग रहा है। और जिस तरह से मुजाहरा देखा जाए तो इस जो एहतजाज की लड़ाई है इसमें हर जगह यही देखने में आ रहा है कि स्टूडेंट्स हर जगह फोर फ्रंट है। वो इतना ज्यादा इस दस्तूर की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं कि अपनी जान की बाजी तक लगा रहे हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि जामिया में एएमयू में हर जगह वो अपनी जान की बाजी है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से जरूरत है हमारे ये नौजवानों में जो जज्बा है उसको मेरा सलाम है। उन्हें आगे आना चाहिए और क्योंकि अब वही मुस्तकबिल के शहरी हैं, वो मुस्तकबिल के लीडर हैं। और जिस तरह से स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं हर जगह, मुझे तो उनमें एक आने वाले मुस्तकबिल का एक लीडर दिखाई देता है जो यकीनन जो है हर फील्ड के लीडर्स इसमें से निकल रहे हैं। उनमें छुपी हुई दमों की सलाहियतें भी बाहर आ रही हैं। और इसी तरह से अगर ये एहतजाज जारी रहा, मुसलसल दबाव हम अगर हुकूमत पे डालते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हो सकता है कि हम इसमें हमारी जीत हो और हमें कामयाबी मिले। और इसमें खवातीन भी, खास करके हर जगह खवातीन का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनका ताउन है। और ये देखने में आया है कि खवातीन खास करके जो कभी बाहर निकलने से भी डरा करती थी, आज उनकी हिम्मत की हमें दाद देना चाहिए। और साथ में उनके घर के जो मर्द हजरात होते हैं उनके ताउन के भी लिए हम बहुत शुक्र गुजार हैं, क्योंकि जब तक किसी मर्द का ताउन नहीं हो सकता, कोई भी खातून या कोई भी लड़कियाँ भी जो है एहतजाज में शामिल नहीं हो सकती है। तो घर वालों को भी इसमें ताउन करने की ज़रूरत है, वो खवातीन का ताउन करें और उन्हें इस एहतजाज में शामिल होने के लिए इजाज़त दें, उनका साथ निभाएं, उनकी भरपूर जिस तरीके से भी हो सकती है उनकी मदद करें। क्योंकि ये जंग हम सबको मिलकर लड़नी है, ये जंग दस्तूर की है। दस्तूर को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है जो सेक्युलर है। तो ये सेक्युलरिज्म की लड़ाई है, दस्तूर की लड़ाई है, हक और इंसाफ की लड़ाई है। इसमें सबका साथ जरूरी है। तो मैं तमाम खवातीन से भी दरख्वास्त करती हूँ कि वो एहतजाज करते रहें। और ख़ास करके हमारे मुल्क के जो है सीएम से और सियासी रहनुमाओं से गुजारिश है कि वो यही कोशिश करें कि केरला की तरह से, पंजाब की तरह से जो है असेंबली में जल्द अज जल्द जो है इस करारदाद को मंजूर करवाएं कि यहाँ पर जो है ये काला कानून बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। शुक्रिया।